दोस्तों, हमने हमारे पिछले एपिसोड में यह देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के पास जने शंख की क्या रहस्य थी। आज हम भगवान श्री कृष्ण के पास जने शंख की शक्तियों का विश्लेषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जो शंख था वो बहुत ही शक्तिशाली, अद्भुत और दैवीय शक्तियों से युक्त था। भगवान श्री कृष्ण के पास जने जो शंख था, ऐसा कहते हैं कि उसकी ध्वनि काफ़ी दूर तक जा सकती थी, जिससे महाभारत में उन्हें काफ़ी फायदा मिला। ऐसा कहते हैं कि वो जो शंख था उसकी ध्वनि लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जो कि आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना पाश्चजन्य शंख बजाया था, तब पांडव सेना में उत्साह और संचार और शक्ति आ गई थी, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया था। हालांकि पांडव सेना के पास 7 अक्षौणी सेना थी, जबकि कौरव सेना के पास 11 अक्षौणी सेना थी, लेकिन फिर भी युद्ध में आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है। जो आत्मविश्वास पांडव सेना के पास भगवान श्री कृष्ण के रहने से पहले से ही आ गया था, और इसी से हमको पाश्चजन्य शंख की शक्ति का अंदाजा लगाना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। तो वही दूसरी तरफ, जब भगवान श्री कृष्ण ने शंखानाद किया, तब कौरव सेना भय से व्याप्त हो गई और वे शक्तिहीन हो गए। हालांकि कौरव सेना को पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे महारथियों का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के शंखानाद करने से उनकी सारी सेनाओं का मनोबल और शक्ति आधी हो गई, जिससे पांडव सेना को इसका फायदा मिलना तय था। जब भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया था, तब पाश्चजन्य शंख से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उसका स्वर सिंह गर्जना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक था। इससे हमें भगवान श्री कृष्ण के पाश्चजन्य शंख का शक्ति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो शंख था वो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, और वो शंख देवीय शक्तियों से युक्त था, इसलिए वो शंख श्रेष्ठ था। भगवान श्री कृष्ण का जो शंख था उसे विजय और यश का प्रतीक माना जाता है, और उस पाश्चजन्य शंख की ध्वनि से सभी सेनाओं में एक शक्ति का संचार हो जाता था। हालांकि उस शंख में 5 उंगलियों की आकृति होती थी। पाश्चजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वैसे भी चमत्कारी नहीं है, क्योंकि आज का चमत्कार ही लुप्त हो चुका है, क्योंकि सब लोग आज के ज़माने में साइंस को श्रेष्ठ मानते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी तस्वीर में देख सकते हैं पाश्चजन्य शंख कैसा हो सकता है। बहुत सारे लोग शंख को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि शंख को घर में रखने से वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। शंख राहु और केतु के दुष्प्रभाव से भी कम करता है, और शंख के घर में रहने से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जो कि अन्य बुरे शक्तियों का नाश करती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। धन्यवाद दोस्तों।